आउटसाइडर क्या है? क्या बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में आउटसाइडर को काम नहीं मिलता? कुछ आउटसाइडर एक्टर के मन में ये सवाल उठता है। क्या आप भी उनमें से एक है जिनको लगता है कि हम आउटसाइडर हैं तो हमको बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा? अगर हाँ तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे YouTube चैनल दी कास्टिंग जोया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। पहला सवाल है, आउटसाइडर क्या है? बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में आउटसाइडर उन्हीं को बोला जाता है जिनका इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं होता है, जो अपने दम पर आते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं। कई सारे टेलीविजन और बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका इस इंडस्ट्री में कोई भी जानने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट और अपने विश्वास के आधार पर इस इंडस्ट्री में पहचान बनाई है। दूसरा सवाल है, क्या बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में आउटसाइडर एक्टर्स को काम मिलता है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, बेशक मिलता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पेशेंस है तो आपको काम मिलेगा। और सच तो यही है कि बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में इस वक्त आउटसाइडर एक्टर्स का बोलबाला है। जितना काम इनसाइडर एक्टर्स को मिलता है उतना ही काम आउटसाइडर एक्टर्स को भी मिलता है। अब मैं आपको कुछ इनसाइडर और आउटसाइडर एक्टर्स के नाम बताती हूँ ताकि आपके मन में जितना भी डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ इनसाइडर एक्टर्स के नाम बताती हूँ। पहला नाम है जानवी कपूर। जानवी कपूर एक्ट्रेस श्रीदेवी और प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 2018 में आई फिल्म धड़क से की थी। दूसरा नाम है सारा अली खान। सारा अली खान एक्टर सैफ अली खान एक्ट्रेस अमृता सिंह की बेटी हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 2018 में आई फिल्म केदारनाथ से की थी। तीसरा नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट प्रोड्यूसर महेश भट्ट और एक्ट्रेस सोनी राजदान की बेटी हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1999 में संघर्ष फिल्म आई थी उससे की थी और 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी उससे डेब्यू किया था। ये कुछ नाम थे जो कि इनसाइडर एक्टर्स के मैंने आपको बताए एग्जांपल के तौर पर। अब मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ जो कि आउटसाइडर एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में नाम बनाया है। पहला नाम है शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान को कौन नहीं जानता है। आज वो लाखों फैंस के दिलों में राज करते हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल फौजी से की थी और शाहरुख खान एक आउटसाइडर थे। जब वो इंडस्ट्री में आए थे ना उनको कोई जानता था ना वो किसी और को जानते थे और उन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया है। दूसरा नाम है प्रियंका चोपड़ा। मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी धाक जमाई है। उन्होंने बॉलीवुड की 2003 में आई फिल्म द लव स्टोरी से डेब्यू किया था। तीसरा नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर में बहुत स्ट्रगल किया है अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। 1999 में सरफरोश फिल्म आई थी उस फिल्म में उन्होंने छोटा सा रोल किया था और उसके कई सालों के बाद उन्होंने कई दमदार रोल किए, जैसे कहानी में उन्होंने ऑफिसर खान का रोल प्ले किया था, गैंग्स ऑफ वासीपुर में फैजल खान बने थे, लंच बॉक्स में शेख का रोल किया था और बजरंगी बाजार में चांद नवाब का रोल प्ले किया था। आज वो कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। आज उनका बॉलीवुड के जाने माने टैलेंटेड एक्टर में नाम शामिल है। राधिका आप्टे बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2005 में आई फिल्म वा लाइफ हो तो ऐसे से किया था। उसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया जैसे माजी द माउंटेन मैन और पैडमैन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए ताकि आपके अंदर जो डर है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ तो मुझे काम मिलने में प्रॉब्लम होगी, ताकि वो दूर हो सके। मैं एक बात जो कि आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप एक्टिंग को लेकर पैशनेट नहीं हो, चाहे आप इनसाइडर हो चाहे आप आउटसाइडर हो, आपको शुरुआत में थोड़ा बहुत भले ही काम मिल जाएगा लेकिन आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। आपने खुद ही देखा होगा कई सारे बॉलीवुड एक्टर जो अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं, कई सारे प्रोड्यूसर जो अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं, उसमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं एक्टर जो सक्सेस नहीं हो पाते। उसका रीजन यही होता है कि उनमें वो बात नहीं होती है, और ये बात इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों के लिए लागू होती है। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बात कही थी, झुकेगी दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।